सभी को हाय, ये आपका फेवरेट DIY चैनल है। मेरे पास खाली प्लास्टिक बॉटल्स हैं। आपको लगता है मैं इन्हें फेंकूंगा? ओह नहीं, मैं इनसे अपनी बेटी के लिए सबसे स्टाइलिश फ्लिप फ्लॉप्स बनाऊंगा। मजे करो। जोजी, स्वीटी, ये क्या है? डैड, ये स्नीकर्स कैसे रहेंगे? वो हो, शुक्रिया मॉम। ब्रूस फिर अपने आइडियाज का इस्तेमाल करने लगा। कितना मजेदार है। जोजी, ये तुम्हारे लिए एक नया गोल्ड बैकपैक। ये बहुत बढ़िया है। पर मेरी बुक्स इसमें नहीं आ रही है। मैंने तो ये सोचा ही नहीं। ओह, ये तो मेरे लिए एक चैलेंज है। ये थोड़ा मुश्किल है। ये लो स्वीटी, तुम्हारा बैकपैक तैयार है। हनी, ये तुम्हारे लिए एक नया बैकपैक जिसमें तुम अपनी सारी बुक्स रख सकती हो। आह, शुक्रिया डैड। डैड तैयार हो? मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। खुद को बचाओ। ये अजीब आवाजें कैसी है? डैड, हार मान लो, आप बहुत धीरे कर रहे हैं। ये तो सोचना भी मत। यहाँ क्या हो रहा है? कुछ नहीं। वूप्स, यहाँ की सफाई करो। खुद को बचाओ। ये नहीं सुधरेंगे। मैं थोड़ा पानी पीऊंगी। थोड़ा और। रुको, मेरे पास खास तुम्हारे लिए गोल्ड वाटर कूलर है। लेवर को खींचो और ग्लास में पानी भर जाएगा। वो हो, मुझे पसंद आया। ब्रूस, थोड़ा पानी लेना चाहोगे? मेरे पास और भी काम है। मुझे सोचना होगा वाटर कूलर के लिए मुझे कौन सा सामान इस्तेमाल करना चाहिए। मेरे पास कुछ आइडियाज है। कार्डबोर्ड, स्क्रू ड्राइवर, कैंची। मेरा कूलर तैयार है। जोजी, इसे छोड़ो। मेरा बनाया हुआ वाटर कूलर देखो, तुम्हें अच्छा लगा? चलो इसे टेस्ट करते हैं। डैड, ये कमाल का है। मेरी बारी है। ये बहुत मजेदार है। चालू करती हूँ। वो हो मॉम, मेरे लिए ये शानदार टीवी खरीदने के लिए शुक्रिया। ब्रूस, इस बॉक्स को कचरे में फेंक दो। नहीं, इसे फेंक दो। छोड़ो इसे, ये काम आ सकता है। पर क्यों? मॉम, ये डैड के पेट पर काम आएगा। मैं यहाँ इंचार्ज हूँ। नहीं, मैं हूँ। डैड, मैंने टिकटॉक बनाई है। बहुत बढ़िया हनी, मेरा फेवरेट सॉन्ग। मेरी बेटी क्या सुन रही है? अच्छा, खेलने का टाइम है। स्वीटी, देखो मेरे पास क्या है, तुम्हारे आइडल का पोस्टर। शुक्रिया डैड, चलो इसे दीवार पर लगाते हैं। ऐसे, बढ़िया। ये पोस्टर यहाँ क्यों है? कितना अजीब है। सच्चे फैंस यही करते हैं। मैं इसे यहाँ और यहाँ लगा देती हूँ। बिल्कुल नहीं। जोजी, देखो मुझे कौन मिला है। तुम खुश हो? वो हो मॉम, आपने ये कैसे किया? कितनी अच्छी किस्मत है। शुक्रिया, मुझे आपका ऑटोग्राफ मिल सकता है? जरूर, स्माइल। जोजी के लिए। मैं अब जा सकता हूँ। यही डील थी। ब्लेजर पहनो? नहीं, ये बोरिंग है। जैकेट? बिल्कुल नहीं। ये शर्ट परफेक्ट है। ओह नहीं, शर्ट फट गई है। मॉम, जोजी, क्या हुआ? इसे ठीक करना आसान है, वो भी पिन से। फेल्ट पर डायमंड ड्रॉ करें। आउटलाइन पर सजावटी स्टोन्स की स्ट्रिंग लगाएं। इसे क्रिस्टल्स और बीट से भरें।
पीछे की तरफ कार्डबोर्ड और फेल्ट की दूसरी लेयर लगाएं और एक पिन बैक लगाएं। वोहो, शुक्रिया मॉम। मेरा फेवरेट टॉप खराब हो गया है। क्या हुआ? खुद ही देख लो। चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। कैंची का जादू और ये हो गया। जोजी, अब तुम्हारा फेवरेट टॉप कूल बन गया है। शुक्रिया डैड। मुझे ये ऐसे और अच्छा लग रहा है। मैं कौन सी ड्रेस पहनूं? वो हो, मुझे ये वाली पसंद है और ये वाली भी। कोई एक चुनना कितना मुश्किल है। हनी, तुम्हें ड्रेस मिली? मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी चुनूं। चुनना क्यों जब तुम दोनों ले सकती हो। ये वाली भी ले लो और ये भी। आ जाओ, मेरी मॉम शॉपिंग की दीवानी है। नहीं, वो हो डैड, मुझे ये ड्रेस पसंद है। समझ गया, तुम ले सकती हो। ये कार्डबोर्ड से ड्रेस बनाना बहुत क्रिएटिव काम है। ये लो, ये क्या है? पिक्चर वाली ड्रेस? बिल्कुल नहीं। हाय, आप अपना फेवरेट DIY चैनल देख रहे हैं और मैं आपको किसी भी चीज से ड्रेस बनाना सिखाऊंगी। स्माइल करना ना भूले। ये लगभग होने वाला है, बस थोड़ा बाकी है। चलो भी। वूप्स, मैंने अपना फोन तोड़ दिया। मॉम, क्या हुआ? ये कोई बात नहीं, ये लो नया फोन। शुक्रिया। वाओ, वूप्स, ये लो नया फोन। पकड़ लिया, पकड़ लिया। वूप्स, रुको, ये लो। शुक्रिया, दूसरा नया फोन। हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। फोन को टूटने से बचाने वाला केस और कस्टम ब्रेसलेट। रिबन का एक टुकड़ा काटे, प्लास्टिक के टुकड़े को बीच में से ले, रिबन के किनारे पर इलास्टिक स्ट्रिंग से ले और एक एक्सेसरी फाइंडिंग लगाएं। केस में एक होल बनाएं और इलास्टिक रिबन के दूसरे एंड को इससे जोड़ दें। केस को 3D स्टिकर से सजाएं। क्या? लगभग गिर जाता। शुक्रिया डैड, बढ़िया आइडिया है। तुम्हें ये बैग पसंद आया? ज्यादा नहीं। ये कैसा है? ना। ये प्यारा क्लच बैग। हाँ, मुझे चाहिए। ये बैग टिकटॉक्स बनाने के लिए बढ़िया है। स्वीट हार्ट, तुम्हें कौन सा बैग ज्यादा पसंद आया? कौन सा बैग? ये वाला ठीक है, अच्छी पसंद है। और मैंने इससे बैग बनाया है। पेपर बैग से दो रेक्टेंगल्स काटे, क्लियर स्टेशनरी फोल्डर्स में डाले, कार्डबोर्ड और फोल्डर पीसेस से नीचे का हिस्सा बनाए। साइड्स लगाएं और बैग बनाएं, होल्स बनाएं और हैंडल के लिए चेन लगाएं। वो हो डैड, आप जीनियस हैं। स्टाइलिश जीनियस। नहीं नहीं, ये पेंडेंट प्यारा है। डैड, मुझे ये क्लोवर लीफ चाहिए। मुझे ऐसा कहां से मिलेगा? मुझे पता है। क्या? मेरी पूरी जिंदगी आर्ट क्लास जाना सही आइडिया था। क्या हो रहा है? जोजी ने मुझसे क्लोवर पेंडेंट मांगा था। स्वीटी, मेरे पास तुम्हारे लिए एक असली पेंडेंट है। ग्लिटरी फोम पेपर से क्लोवर लीफ काट ले, आउटलाइन पर वायर लगाएं, इसे जेल पॉलिश से कवर करें और यूवी लैंप में सुखाएं। इसे गोल्ड लीफ से सजाएं, चेन लगाएं, तुम्हारा
सोडा, फ्रीज। मुझे क्लोवर दो, शांत हो जाओ, तुम्हें भी क्लोवर मिलेगा। ये वाला और बढ़िया है। शुक्रिया, हाई फाइव। मेरे पास नोटबुक है, अब मुझे अपना पेंसिल केस पैक करना है। ओ नहीं, ये फट गया। स्वीटी, तुम क्या कर रहे हो? इसे ठीक करने के बाद मैं शांत हो जाऊंगा। डैड, मेरा पेंसिल केस फट गया। मुझे देखने दो, ये केस की वजह से नहीं, पेंसिल्स की वजह से फटा है। मैं इन्हें इलास्टिक बैंड से बांध दूंगा और इसे अच्छा दिखाने के लिए इस पर रेनबो लगा दूंगा। ये लो। शुक्रिया, रेनबो सच में अच्छा लग रहा है। मुझे मदद करके खुशी मिली। जोजी, अगर तुम चाहो तो मेरा स्कूल केस ले सकती हो। मुझे ये मेरे ग्रैंडफादर से मिला था। वो हो, शुक्रिया मॉम। देखना ये केस जल्दी खराब नहीं होगा। शो शुरू होने वाला है। रुको, जोजी को क्या हुआ? ओह नहीं, मैं भूल गया, आज उसका बर्थडे है। अब मैं क्या करूं? मुझे पता है, पॉपकॉर्न कुक करें और इसमें शुगर सिरप डालें। इस सिलिकॉन मोल्ड में डालें और सूखने दें। पहले से बनी लेयर से केक बनाएं। मैंने पॉपकॉर्न केक बनाया है। मेरा केक ज्यादा हेल्दी है। हैप्पी बर्थडे हनी। वो हो, कैंडल और पॉपकॉर्न, मुझे ये पसंद आया। स्वादिष्ट है ना? मेरा केक बेहतर है। इस बर्थडे गर्ल के पास दो केक्स हैं। हाय, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग। और ये विवियन है। हाय कहो। और ये जोजी है। ओह, यूट्यूब से डिलीवरी। इसके अंदर क्या है? चलो इसे अभी खोलते हैं। ये डायमंड बटन है। मेरा चैनल बहुत पॉपुलर है। हाय, आप अपना फेवरेट DIY चैनल देख रहे हैं। सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें।